हिंदुस्तान में कानून तो कई बनाए जाते हैं पर कानून का पालन कितना होता है, आइए हम दिखाते हैं इसी पर एक खबर। उमेश्वर जी, ये बताइएगा कि स्कूलों में मध्याह्न भोजन संचालित है और उस मध्याह्न भोजन की निगरानी भी जनभागीदारी समिति को ही करनी थी, तो क्या आप अध्यक्ष होने के नाते आप निगरानी करते हैं? नहीं। आपको पता भी होता है कि मध्याह्न भोजन में मीनू के आधार पे मध्याह्न भोजन चलाई जा रही है नहीं चलाई जा रही है? नहीं। सर, यहाँ पे जो जनभागीदारी समिति बनाई जानी थी जी, और उसका मासिक बैठक कराया जाना था, सारे क्रियान्वयन उन्हीं के द्वारा कराया जाना था, तो अभी मासिक बैठक आपके द्वारा कराई जाती है? जी, कराया है। नवंबर माह 2013 के बैठक के बाद अब तक बैठक नहीं हो पाया है, 3 महीना 4 महीना होने को है, तो इस संबंध में आप क्या कहेंगे? बैठक तो हर महीना कराते हैं सर। तो कैसे आपके बैठक रजिस्टर में कैसे नहीं है, दर्ज नहीं है? वो रजिस्टर में एंट्री नहीं कर पाए। तो बगैर रजिस्टर के बैठक होता है? नहीं। तो कैसे एंट्री नहीं कर पाए, बाद में एंट्री करते हैं क्या आप लोग? नहीं सर, साथ में ही करते हैं, नहीं कर पाए सर, चर्चा करने के बाद करते हैं। ऐसा तो नहीं कि आप लोग दस्तखत बाद में कराते हैं, क्योंकि बैठक हुआ और दस्तखत ना हुआ ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? ऐसा तो नहीं करते सर। तो कैसे आप लोग रजिस्टर मेंटेन कैसे नहीं कर पाए? सर, मैंने आपके समिति के कुछ सदस्यों से बातचीत किया था पहले भी, तो उसमें उन्होंने बताया कि बैठक नहीं लिया जाता। नहीं, बैठक लेते हैं सर। तो क्या आप वो झूठ बोल रहे हैं क्या? नहीं, जो आपके ही समिति के सदस्य हैं उन्हीं लोगों का कहना है कि बैठक नहीं लिया जाता। हमें नहीं पता, हमें किसी भी चीज़ के लिए पूछा नहीं जाता, हमसे दस्तखत कराते हैं, ऐसा उनका कहना है। तो या आप सच बोल रहे हैं या वो झूठ बोल रहे हैं? नहीं, बुलाते हैं बैठक में, उससे बात किया जाता है। तो वो झूठ क्यों बोल रहे हैं, आप क्या कहेंगे इसके बारे में? झूठ नहीं बोल रहे हैं सर, मतलब इसको बैठक बुलाते हैं। तो वो कह रहे हैं कि बैठक नहीं होता, बैठक करते हैं सर, वो झूठ बोल रहे हैं? नहीं, वो आते हैं, मतलब जो उन्होंने बोला वो झूठ बोला। लेकिन बैठक में आते हैं। मैं प्रकाश गुप्ता, सरगुजा, छत्तीसगढ़ से, इंडियन हर्ट के लिए।